हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माय लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कटिंग अंडर दिस प्रोसेस ओनली हमने आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंतर्गत कटिंग आपको बताया था आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेयरिंग ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वॉट डू वी मीन बाई लेयरिंग इन दिस टेक्निक रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन अ स्टेम बिफोर इट इज़ डिटैस्ड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट पेरेंट्स प्लांट से नए प्लांट को अलग करने से पहले ही रूट को डेवलप किया जाता है लेरिंग में रूट को डेवलप किया जाता है इसके दो लेरिंग के दो प्रोसेसेस हैं एक एक प्रोसेस है इसे हम माउंट लेरिंग कहते हैं और दूसरे प्रोसेस को एयर लेयरिंग माउंट लेरिंग एंड एयर लेयरिंग लेयरिंग में प्लांट का जो लोअर पोर्शन का ब्रांच होता है जो कि जमीन के बिल्कुल क्लोज होता है द ब्रांच विच इज़ क्लोज टू द ग्राउंड हाँ उसे हम बेंड करते हैं उसे हम थोड़ा और बेंड करके उसके थोड़े से भाग को मिट्टी के मॉइस सॉयल के अंदर दबा देते हैं और थोड़े ही दिनों में उस पार्ट से एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर जाता है वॉट इज दिस एडवेंटिशियस रूट एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट विच नवर डेवलप फ्राम द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट एडवेंटिशियस रूट जो है वो प्लांट के लोअर पोर्शन में से डेवलप ना होकर के नॉन रूट पार्ट से डेवलप करता है उसमें जब एडवेंटिशियस रूट आ जाते हैं उस पार्ट में तो हम फिर प्लांट को बीच से कट कर देते हैं उस ब्रांच को क्लट कर देते हैं कट करने से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है और वो एक नए प्लांट में ग्रो कर कर जाता है तो इस तरह से हम थोड़े से समय में वी गेट लॉट्स ऑफ प्लांट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग एंड दिस वाज माउंट लेयरिंग देन व्हाट डू वी मीन बाय एयर लेयरिंग एयर लेयरिंग में जो होते हैं स्टेम्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं स्टेम्स को ग्राउंड में बेंड नहीं कर सकते हैं तो द स्टेम इज एक्चुअली गर्डल्ड और यू कैन से गिवन अ स्लिट एट एन अपवर्ड एंगल हल्का सा उसे इंज्योर्ड किया जाता है इंजोर्ड करने के बाद थोड़ा सा उसे रैप्चर कर देते हैं और उस पार्ट को मोय सॉयल से या तो पॉलीथीन के सहारे या फिर कॉटन क्लोथ के सहारे रैप कर दिया जाता है पॉलीथीन शीट से या फिर कॉटन क्लोथ से उसे रैप कर दिया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर रहे एंड आफ्टर फ्यू वीक्स नो आफ्टर फ्यू वीक्स वी सी दैट एडवेंटेशियस रूट स्टार्ट अराइजिंग फ्रॉम दैट इंजोर्ड पार्ट कुछ सप्ताह के बाद हमें दिखता है कि उस इंजर्ड पार्ट से हम जब पॉलिथीन का शीट हटाएंगे या कॉटन क्लोथ हटाएंगे तो उसमें एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर जाते हैं इस पार्ट को कट करके और हम जमीन में और सॉयल में लगा देते हैं एंड वी गेट अ न्यू प्लांट, वी गेट अ न्यू प्लांट एंड सच काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एयर लेयरिंग एयर लेयरिंग so what are the plants which can be grown with the mound layering the plants which can be grown by the mound layering are jasmine strawberry gooseberry etc what is grafting grafting is the process of joining together parts of two different plants of closely related varieties in such a manner so that they live as one plant is called grafting इस प्रोसेस में हम टू डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं जिनकी वैरायटी क्लोजली रिलेटेड होती है एक ही स्पीसीस के होते हैं लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो बिल्कुल एक प्लांट दिखते हैं सो so ये यूजुअली प्रैक्टिस uh, किया जाता है डाइकॉटिलेजनस प्लांट्स में स्पेशली फ्रूट ट्रीज स्पेशली विथ फ्रूट ट्रीज ऑफ द टू प्लांट्स फ्रॉम एक्चुअली हाउ दिस इज डन फ्रॉम वन प्लांट वन इज रूटेड इन द दॉयल एंड दैट रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट प्लान्टज कॉल्ड और द ट्री इज कॉल्ड स्टॉक एक प्लांट के हम लोअर पोर्शन को लेते हैं जिसे कि हम मिट्टी में लगाते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं और दूसरे प्लांट के अपर पोर्शन को हम लेते हैं या तो बर्ड पार्ट को या ब्रांच को लेते हैं और उसे अटैच करते हैं इस रूटेड पार्ट से उसे हम सीओन कहते हैं वो डुविटल द फर्स्ट द

टाई कर दिया जाता है उसके एंड टू एंड को मैच करते हुए टाई कर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज वी कैन सी दैट वैस्कुलर बंडल्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट स्टॉक्स हैव बीन कनेक्टेड टू ईच अदर जब उनके रूट में डेवलपमेंट शुरू होता है ग्रोथ शुरू होता है तो वैस्कुलर बंडल स्टेम्स के जो वैस्कुलर बंडल हैं जाइलम फ्लोएम वो भी डेवलप कर जाते हैं और उनके बीच के जो रूट्स हैं रूट का जो स्टॉक है वो भी कनेक्टेड हो जाता है and the stem and root stock begin to grow together ab ye stock and scion ek plant ki tarah ek tree ki tarah badhna shuru karte hain and the new plant has all the features of its parents plant अब ये जो नया plant हमें मिलता है उसमें सारे features होते हैं सारे desired characters होते हैं जिसके लिए हमने उसे select किया था तो ट्रीज़ आर ग्राफ्टेड वैन द ग्रोथ ऑफ मोर ऑफ वन प्लांट विद गुड फ्लावर और फ्रूट्स इज डिज़ाड बट दैट प्लांट इज़ नॉट वॉन्टेड ग्रो ऑन इट्स ओन रूट सिस्टम दिस मे बी बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट मे बी टू वीक हम क्यों दो पार्ट लेते हैं हो सकता है कि जो रूट पार्ट होगा उस ट्रीज़ का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो लेकिन शूट पार्ट में बहुत सारे फल आते हों और बहुत सारे फ्लावर्स आते हों जो बहुत दिन तक नहीं ठहर पाते होंगे क्योंकि रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हम रूट पार्ट स्ट्रांग ट्री का लेते हैं और शूट पार्ट ऐसे ट्री का लेते हैं जो हमें बम क्रॉप देता है जो हमें बम फ्रूट्स देता है बम पर फ्लावर्स देता है और फिर उन दोनों को जॉइन करके एक नया प्लांट ग्रो करते हैं ऐसा मोस्टली कैसे प्लांट्स में किया जाता है दीज आर मोस्टली डन ट्रीज सच एज साइट्रस मैंगो And apple are often grafted onto rootstocks. Mostly in mango and apple trees, this is done. Now, tissue culture. Tissue culture is another process of vegetative propagation. In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant. What is this growing tip? You must be knowing about meristematic tissues.

विच इज़ कंसिस्टिंग ऐसे बीकर में रखा जाता है जिसमें कि फाइटो हार्मोन हो ये सेल्स जो हैं हार्मोन्स की मदद से ग्रो करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कैलस इट इज कॉल्ड कैलस द सेम कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम फिर उसे दूसरे मीडियम में डाल दिया जाता है विच आर कंसिस्टिंग और अनदर मीडियम इज कंसिस्टिंग डिफरेंट हॉमोन वो हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन के लिए फाइनली ये कैलस फॉर्म जो है एक छोटे से प्लांटलेट में कन्वर्ट कर जाता है और इस प्लांटलेट को फाइटो हार्मोन मीडियम से निकाल करके हम या तो आ, वास में लगा देते हैं और या फिर इसे फील्ड में सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है एंड इन दैट वे वी गेट न्यू प्लांट्स एंड दिस टेक्निक इज़ यूज टू ग्रो मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन Parent plant in disease free conditions, and this technique is commonly used for ornamental plants. Mostly, it is used for those plants which are going to be diminished, which are going to be extinct. So, I hope you people have understood this. All in my next video, I will be explaining about the next chapter of the topic sexual reproduction in plants. If I hope you people have liked this video. So please like and subscribe, and don't forget to write the comments. Thank you, all of you.